just sleeping and we've woken him up. This baby has a incomplete cleft palate. I would say a rather small one. So scheduled for a palatoplasty today. Also, baby has a mild form of Peary-Robin syndrome, in which the tongue is rudimentary, falls backwards. They have airway obstruction. Also have micrognathia. Micrognathia meaning a small lower jaw, underdeveloped lower jaw. I would say it's a very mild form though. Baby doesn't have any breathing issues, don't have to worry about it. As the baby grows, it should come out fine. The palate is very small, also it is isolated cleft palate, not a cleft lip. So Dr. Richardson is going to be shortly performing a palatoplasty, and baby is fasting and scheduled for surgery in a short time. सर्जरी के बाद देखा, फिर लास्ट दिन देख रहा हूँ अभी, बेबी को यहाँ लगाओ, तब बीच में इनसे एक फ़ोटो निकाले और फिर आपके बेबी को थोड़ा फीवर भी हो गया था ना। हाउ आर यू स्वीटहार्ट, आज आप लोग आज निकल रहे हो कि कल? कल किए, ठीक है, निकल जा रहे हैं आज ही। पसंद नहीं आया हमारे शहर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। आप भी पास में आओ, ये मेनली आपको दिखा रहे हैं। हे, सो रहा अच्छी तरह से? हाँ, ये दवा के कारण थोड़ा सा ना नींद में। दिखता है? यस, देखिए पूरा परफेक्ट है। हाँ, यूला से ऊपर जो वाइट वाइट है वो बस उनका दूद, दूद, बस जी। कोई टेंशन नहीं। तो जो स्टिचेस हैं अंदर वो 4 वीक्स तक रहेंगे, 4 हफ्ता, कोई कोई बेबी को 6 हफ्ता भी रह सकता है। टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना आपको उसको, ना क्लीनिंग ना मतलब उसको कुछ नहीं, दूध पीने के बाद पानी दे देते, फिनिश, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर जरा से भी फीवर आए या कुछ, पीडियाट्रिशियन को दिखाना। क्या कंफ्यूजन है सर? यहाँ पे इसीलिए आते हैं, जबड़ा ये सर? नहीं, जबड़ा नहीं, स्माइल नहीं कर पाते इसका, थोड़ा सा ये हो जाता तो उससे पता चलता कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं देखो, स्माइल नहीं कर पाता, मसल्स नहीं मूव कर पाता, ये तो मतलब नर्व्स का है ना। मुंह में हाथ डाल रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। तो ये अभी वेट करना चाहिए, जैसे बेबी बड़ा होगा तब आपको मालूम पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्माइल नहीं करता, थोड़ा टेंशन होती है, तो सोचे थे कि अगर यहाँ, जैसे उधर हम लोग की तरफ इतने मशीन नहीं होते हैं, यहाँ तो फेस से है तो हर तरह का रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इस देखो जब ये आँख बंद करता है ना, यस सर, आँख बंद करता है, यस सर, और ये मिल्क लेता है, सब कुछ तो नॉर्मल है, वो सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, नथिंग टू वरी। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्माइल भी कर पाएगा सर धीरे धीरे? हाँ, इसके जबड़े जो छोटे, वो मैंने बताया इनको डिटेल की, वो टाइम होते होते वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। देखो ग्रोथ है ना बेबी का, उसके लिए माइलस्टोन्स होते हैं, मतलब 3 महीने में ये करना है, 6 मंथ में ये करना है, 9 मंथ, तो उसके लिए तो मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। बट नहीं, मैं आपको बताऊँ तो उसके लिए अगर आप उसका डिटेल चाहिए तो आपको पीडियाट्रिशियन, जो
ये ग्रोथ में स्पेशलाइज किए, उनसे आपको मिलेंगे तो आपको आइडिया देंगे करेक्टली। लेकिन बेबी को देखते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। थोड़ा डिले है, वो डिले है ना, हो सकता है बेबीज को, उसमें आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है। पूरा थ्रोट तक था, हाँ, इसीलिए सर ये जब भी दूध पीता था उसके बाद पूरा वोमिटिंग करता था। हाँ, वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा या पूरा पूरा बंद हो जाएगा, पूरा पैलेट एंड तक था। नहीं, अरे बहुत पेशेंस कैसे होता है, काफ़ी बेबीज को ग्रोथ डिले होता है, इसीलिए बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो बातचीत ना, कोई कोई बेबीज 8 महीने में बात करते हैं, कोई कोई बेबी 2 साल भी लगाते हैं, 2.5 साल 3 साल तक भी कोई बेबी बात नहीं करता, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर अगला तो कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा दिक्कत यार, टेंशन मत लो। आप लोग कल जा रहे हैं ना? जी सर। बिहार? ध्यान से चलिए। गोरखपुर में जॉब करते हैं सर। अच्छा, आप गोरखपुर जाने वाले हो? अभी अभी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोग का मतलब वो दो बेबी वहाँ पे है ना अभी। हाँ, तो वहाँ है दादी, माँ दादाजी के साथ, फिर वहाँ से लेके गोरखपुर चलेंगे आप? वहाँ से लेकर गोरखपुर चलेंगे। ठीक है, बस ये सही हो जाए। सही है ऑलरेडी, कोई चक्कर नहीं। कैसे डॉक्टर के यहाँ जाया जाता है? नहीं जो काफी तक नहीं, भगवान की दया। अल्ट्रासाउंड लेवल 2 नहीं, देखो अगर बिकॉज ये इनकम्प्लीट वाइड बायलैटरल पैलेट है ना, क्या होता है इनका जीभ वहाँ रह जाता है, तो दिखता नहीं है, तो उनका मिस्टेक नहीं है, ये पहला रीज़न। और दूसरा, अगर उनको पता भी लगे ना, ये टर्मिनेशन नहीं बोलेंगे इसके लिए, डॉक्टर्स को मना है। मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर वो होता सिर्फ आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे आपको, नहीं तो टेंशन हो जाते हैं, नहीं तो टेंशन हो जाएंगे ना आप लोग। अगर आपको पहले ही बता होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप और टेंशन होंगे, ये बेचारी मदर और भी अपसेट हो जाएंगी, फिर वो बेबी को और अफेक्ट होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा है, बिफोर डिलीवरी, बिफोर कंसेप्शन, मतलब जो पहला बेबी का आप कंसीव करते हैं ना, उससे पहले अगर आप दवा लेते हैं तो इफेक्ट होता है। एक बार कंसीव हो गया फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ऐसा नहीं सोचो कि हाँ अगर कोई दवा होता मैं दवा लेती और ऐसा नहीं होता। नहीं, आपका कोई मिस्टेक नहीं है, ये बस नेचर का है, हो जाएगा सब कुछ। हाँ, नहीं नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ये जो कॉफ और इसके लिए भी दिया है ना, नहीं सो रहा है थोड़ा, ठीक है अभी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आना चाहिए।